सेंटर स्टेडियम का टेम्परेचर जीरो से भी नीचे है, पर सुपर स्ट्राइकर्स पूरे जोश में। पीछे चलो। जी हाँ, जोश भी है और तालमेल भी। वैसे इस सेलिब्रेशन को क्या कहते हैं ब्रेंडा? मैच के हिसाब से स्नो फैन। सुपर स्ट्राइकर्स आ गए। शेक्स, स्पेंसर, अच्छा खेले दोस्त। थैंक्स डूड। ये बताओ, कोल्ड्रन जाने वाले स्ट्राइकर जेट में एक सीट है क्या? जब भी हम टूर पर जाते हैं तो फ्रेंड की हालत हो जाती है ऐसी। जल्दी, हमें शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा। स्टीव, अपना फोन बंद करो। स्पेंसर, तुम किससे बात? हाय शेक्स, और कोई सैंड्रा को जगाएगा प्लीज? इसका एक फायदा भी है, कम से कम गेम के लिए टाइम पर पहुँचोगे। बताने के लिए शुक्रिया। बस अब हम जल्दी से स्ट्राइकर जेट में बैठ जाएं। सीट गर्माहट, अच्छी ग्रूमिंग फैसिलिटीज, गर्माहट। मेरा तो वो स्ट्राइकर जेट लज़ानिया खाने का मन कर रहा है। गर्माहट। हे ब्रदर। हे डूड। बर्गल बर्ग। सॉरी, मौसम खराब है, प्लेन नहीं उड़ पाएगा। अब हम क्या करेंगे? स्पेंसर और फैंस बस से कॉल्ड्रन जा रहे हैं कोच। फेरेटूविया तक बाय रोड जाने में सिर्फ एक दिन लगता है। कम ऑन कोच, बस थोड़ी सी ही तो स्नो है। ऐसा तो नहीं कि स्ट्राइकर जेट आसमान से नीचे गिर जाएगा। बस में बैठो। वेलकम टू द एल मैटाडोर लाइव स्ट्रीम। इसमें आपको सारे बिहाइंड द सीन एक्शन देखने को मिलेंगे। और इस बस में सिर्फ एक ही एक्शन है, क्लाउस की अगली टॉयलेट ब्रेक कब होने वाली है। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हम शर्त लगा सकते हैं कि वो कितनी बार टॉयलेट ब्रेक लेगा। और अब लकी नंबर 7। अल मैटाडोर, ये लाइट आंखों में लग रही है। hey, मुझे अपने लाइव स्ट्रीम में अच्छा दिखना है। स्पेंस, तो स्ट्राइकर जेट में कैसा लग रहा है? असल में प्लेन उड़ ही नहीं सकता था, हम भी तुम्हारी तरह बस में ही जा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ दोस्त, पर जो भी है सफर को एंजॉय करना। बाय। जल्दी करो दोस्तों, हम शेड्यूल से 47 सेकंड्स पीछे चल रहे हैं। जाना होगा, बाय। और क्या कोई सैंड्रा को जगाएगा प्लीज? एक मैप बुक, मुझे पता नहीं था लोग इनको अभी भी यूज करते हैं। अब आप एप से बाहर जा रहे हैं, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। देखिए कोच, GPS। अब आप फेरेटूविया में एंटर कर रहे हैं। हाँ, साफ दिख रहा है कि हम कहाँ हैं। उस क्रोस के ग्रुप में क्या हो गया है? मर्डर। क्या? कौओं के झुंड को यही कहते हैं, मर्डर। ये बस ट्रिप इतनी बोरिंग है कि मैंने डिक्शनरी पढ़नी शुरू कर दी। कोच, शायद मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। नंबर 10 किसके पास है? मुझे लगता है मेरे जैसे कई लोग हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हेलो। ये तो बहुत अजीब सी जगह है, बहुत डरावनी है। ये सब क्या है? वो किस तरह का शैतान होगा जिसने मेरे एक्शन फिगर्स को बार्गेन बिन में डाला है? ग्रीन एफसी अलार्म क्लॉक उपलब्ध है सिर्फ 399 में। नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो ये कैसा रहेगा दोस्तों? ये है हॉरर बॉल। ओके, हो गया, चलो यहाँ से। फैन क्लब को बुला लो, क्योंकि मकड़ी के जाल में मक्खियाँ फंस चुकी हैं। मकड़ी के जाल 499 में।
मैं एल मेटाडोर इस ड्रीम सरप्राइज गिफ्ट शॉप का लाइव रिव्यू पेश कर रहा हूँ। बहुत बदबू है, शॉप असिस्टेंट एक डरावना जोकर है और एल मेटाडोर एक्शन फिगर्स की कीमत बहुत कम रखी गई है। वो एल मेटाडोर का लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम हर कदम पर उनके साथ हैं। हम उनसे लगभग 3 घंटा आगे हैं स्टीव। आपका खाना आ चुका है मेरे मालिक। नॉस्फेराटू बर्गर, गोल्डलैश, बेजरोनी चीज और एक पिज्जा विद पाइनएप्पल। यहाँ हर चीज में मॉन्स्टर थीम डालना जरूरी है क्या? खाने का समय खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास प्लेट साफ करने के लिए 30 सेकंड्स है। 25 सेकंड्स। कम से कम हम जानते हैं कि फेरेटुविया में सबसे डरावनी चीज क्या है। 15 सेकंड्स। ओह, बहुत अजीब सी फील है डूड्स, बहुत डरावनी है। ये सेटिंग परफेक्ट है बॉयज, क्योंकि मेरे पास एक अटैकिंग मूव है जो ग्रिम के अंदर डर भर देगी। और कामयाबी के लिए क्लाउस, शेक्स और एल मेटाडोर सेम वेवलेंथ पर होने चाहिए। नो प्रॉब्लम कोच। फनी, अब तैयार हो जाओ वीव के लिए। बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा तुमने। टॉयलेट पेपर क्या सच में मोड़? सॉरी फैंग, मेरी असली मम्मी कॉस्ट्यूम धुलने के लिए गई थी। तुम सुपर स्ट्राइकर्स की चिंता मत करो क्लॉडिया, हम उन्हें ग्रिम के खिलाफ वो मूव इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देंगे। पुशअप्स खतरनाक हो सकते हैं गलत हाथों में। हाथ में। हे, मेरा सिग्नल कहाँ गया? मेरा जीपीएस भी नहीं चल रहा दोस्त। शुक्र है हमारे पास मैप है, एक बुक में। कोच, जो पेजेस हमें चाहिए वो गायब है। मुझे फिर से जाना है। मुझे भी। मैं शेक्स हूँ, मैं टूर पर हूँ, अपना मैसेज छोड़ दीजिए। शेक से बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है सिग्नल ना हो, एल मेटाडोर का लाइव स्ट्रीम भी बंद हो गया था। पर हम भी उसी रास्ते से आए थे और हमारा सिग्नल तो परफेक्ट था। वो ठीक होंगे, कोच तो शेड्यूल के बारे में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। समझ में नहीं आ रहा। चिंता करने का टाइम नहीं है क्योंकि हमारा सोने का टाइम शुरू होता है अब। इतना बुरा भी नहीं है, ये रात तुम्हें ग्रिम गेम के लिए और मजबूत बनाएगी। पर कोच, मुझे नींद कैसे आएगी, ना एयरकॉन है और ना ही रूम सर्विस है। जब तुम छोटे थे तो कभी कैंपिंग पर नहीं गए क्या? कैंपिंग? वो क्या है? कैंपिंग मतलब तारों के नीचे सोना, ऐसे आग पर खाना बनाना, कैंप सॉन्ग्स गाना। तुम ये सब मुझे डराने के लिए कह रहे हो है ना? ये कैंपिंग है। मुझे ये जगह पसंद है, हर जगह बाथरूम से। जल्दी स्टार्ट कीजिए कोच। कोशिश कर रहा हूँ, लगता है बैटरी डेड है। कुछ
भी उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। बैटरी के डेड होने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। डियर फैंस, अगर तुम कभी ये देखो तो हम जंगल में खो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे चेहरे पर लाइट भी ठीक से नहीं पड़ रही है। बुजुर्ग, हाँ मैं आ रहा हूँ। सच में यार, वो जो भी था बहुत डरावना था। हाँ मतलब कौन, क्या क्या था वो? देखो गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, पर इस गेम के ना होने से ग्रिम को पॉइंट जरूर मिल जाएगा। हमें उस गेम में पहुंचना होगा। तो हमारी बस किस तरफ थी? मुझे दोस्तों, मुझे इन पंछियों पर गुस्सा आने लगा है। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये शेड्यूल में नहीं है। हमें गेम के लिए देर हो जाएगी। स्पेंसर, शेख से बात नहीं हो पा रही है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। पता नहीं स्पेंसर, इसकी गारंटी नहीं वो मिलेंगे और हम शेड्यूल से पीछे हो जाएंगे। पर उस गेम में टाइम पर पहुंचने का मतलब क्या है जब हमारे पास सपोर्ट करने के लिए टीम ही नहीं है? सॉरी स्टीव। ओके बॉयज, शायद मैं समझ गया। मैं किसी पेंसिल ड्राइंग को फॉलो नहीं करने वाला। तो फिर तुम यहीं पर रुको और किसी चमत्कार के होने का इंतजार करो। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं कोच? मैं जिद नहीं कर रहा, तुम जिद कर रहे हो। मैं बताता हूँ, क्यों ना एक कैंपिंग सॉन्ग गाया जाए। ये वट मत बोलो। क्या कैंपिंग? मत बोलो। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मेरी टीम मेट्स एक दूसरे के खिलाफ होने लगे हैं, तो अब मैं एक आखिरी मैसेज के साथ अलविदा कहता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने कहा था ना, रास्ता मिल जाएगा। तुम फिर से गलत हो डांसिंग रास्ता। मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूँ पर कोच, हम वहीं पहुँच गए जहाँ से शुरू किया था। अब और नहीं सहा जा रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? बादल हो गया। ब्रेकफास्ट चाहिए? दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, चिल्लाना बंद करो, मेरे सामने से हट जाओ। बहुत तंग करते हो। उस अजीब सी रात के बाद तुम सच में खेल पाओगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें सबके सपोर्ट की जरूरत होगी। सुना ना शेक्स ने क्या कहा, तो अंदर चलो और दिखा दो कि हम उनके साथ हैं। सीट पर बैठने के लिए 3 मिनट है। सैंड्रा उठो, गेम शुरू हो रही है। थोड़ी देर सुनो। वेलकम टू फेराटूबिया। की मैच क्लॉड्रन में, पिछले मैच में सुपर स्ट्राइकर्स बहुत अच्छे फॉर्म में थे। पलटने में एफसी को ऑपोजिशन के दिलों में डर भरना बहुत अच्छे से आता है। टीम तो टीम है, जरा फैंस पर नजर डालो। अब टाइम पर कौन पहुंचा है स्टीव? गेम शुरू। El Matador! Yeah, I'm up! Yeah! Ah! 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 Ah!
दुख लेने वाले थे ना। ये सब क्या हो रहा है? आ जाओ फ्रेंड, तुम कहाँ हो? खोल जाओ प्लीज, कोई हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। हद कर दी सैंड्रा। अब ये क्या हो रहा है? तुम लोग इसके लिए तैयार हो? नहीं, फिर भी एक कोशिश करते हैं। ग्रिम फैंस एंड विजिटर्स पर हावी हो रहे हैं मैक्स। पार्किंग के मामले में ग्रिम फैंस तो सच में बहुत बेकार है। तो तुम कह रहे हो मुझे आगे आना चाहिए था? तुम्हें अपनी लाइन पर रहना चाहिए था। तुम खुद कौन सा अपनी सही जगह पर थे? ब्रदर। हे कोच। बैठ जाओ। तुम तीनों प्रैक्टिस में वीव अच्छे से कर रहे थे, तो तुम्हें यहाँ क्या हो गया? वैसे तुम सब बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे साथ दो दिन बस में फंसे रहना डेंटल सर्जरी जैसा था। मैं जानता हूँ। और ऊपर से वो कैंपिंग और वो खतरनाक मॉन्स्टर्स और वो चीजें जो जंगल में थी। ये हरकत उन पागल ग्रिम फैंस ने की है। क्या ये उन्होंने तुम्हारी बस की बैटरी चुराई थी? मैंने कहा था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें रोका गया, डराया गया, भटकाया गया। मोटिवेशनल स्पीच, अब बोलो। पर हम फिर भी वहाँ जाएंगे और उस गेम को हर हाल में जीतेंगे, ना पॉइंट्स के लिए, ना एक दूसरे के लिए, बल्कि फैंस के लिए। उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें वो खुशी दें। सुपर स्ट्राइकर्स ब्रेक के बाद नई एनर्जी के साथ लौटे हैं। और सिर्फ मैन इन रेड नहीं, बल्कि उनके फैंस भी। सुपर स्ट्राइकर्स फैंस की आवाज उन पर हावी होने लगी है। एक जोरदार काउंटर अटैक। पर सुपर स्ट्राइकर्स के सर से खतरा अभी टला नहीं है। कम ऑन, उन्हें हमारी जरूरत है। सुपर स्ट्राइकर्स फैन सब की तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। सीक्रेट वेपन यूज करने का टाइम हो गया। सैंड्रा, पर ये तो हमेशा सोई रहती है। वो इसीलिए, क्योंकि ये अपनी एनर्जी बचा रही है। सैंड्रा, सुपर स्ट्राइकर्स हार रहे हैं। El
मेटाडोर की शानदार लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार फिर से स्वागत है। मैं स्ट्राइकर जेट पे हूँ। डिनर का टाइम हो गया। स्ट्राइकर जेट लज़ानिया। अब सफर हो तो ऐसा हो। हाँ, वैसे तुम्हें लिफ्ट देना तो बनता है। ग्रिम सरप्राइज। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? मेरे टीममेट को यूज करना है। जल्दी से फैन क्लब को बुलाओ, मकड़ी के जाल में मक्खियाँ फंस चुकी हैं। मकड़ी के जाल सिर्फ 499 में? क्या क्या, एक बिग गया, एक मकड़ी का जाल बिग गया।